हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। रीजनिंग का पार्ट नंबर 68 है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया है, FLRZ में कौन सा अक्षर भिन्न है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, हमें अक्षर संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, FLRZ इनमें से कौन सा सबसे अलग है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि ठीक है कि इसे कैसे अंक में कन्वर्ट करते हैं। अगर इसे अंक में कन्वर्ट करेंगे तो हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसे अंक में कन्वर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ABCD में F हमारा 6 नंबर पड़ता है, L हमारा 12 नंबर पड़ता है, और R हमारा 18 नंबर पड़ता है, और Z हमारा 26 नंबर पड़ता है। देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे इसमें, देखिए 6 में क्या किया है, 6 में 6 जोड़ दिया है तो 12 हो गया है, 12 में 6 जोड़ा है तो 18 हो गया। अब 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पर कितना आया है, 26, यानी कि 26 नंबर हमारा गलत है, यानी कि जेड जेड संख्या हमारी भिन्न है। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम इसे बहुत ही आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि ABCD में F हमारा 6 नंबर पड़ता है और ये 12, तो इनके बीच का गैप 6 है। ठीक है, 6 में 6 जोड़ दिया तो 12, उसके बाद L में क्या किया है, इसमें भी 12 में 6 जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा, R, यानी कि 18 हो जाएगा। फिर 18 में हम कितना जोड़ेंगे, 18 में हम 6 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 के स्थान पर X होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, Z, तो यानी कि Z हमारा भिन्न संख्या है। तो ठीक है, किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, Z संख्या हमारी भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया है, यदि 3 बराबर 6, 4 बराबर 7, 5 बराबर 8, तब 6 बराबर क्या होगा, ये हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 बराबर 6 दिया है। ठीक है, 3 बराबर 6 दिया है तो यानी क्या किया है, 3 में 2 से गुना कर दिया है तो हमारा क्या हो गया है, 6 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 बराबर 7 दिया है, अगर हम 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया है, 7, यानी कि ये गलत दिया है। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पर दिया है 5 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया है, 8 दिया है। ठीक है, ये भी संख्या गलत दिया है उसी, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया है, 3 बराबर 6, यानी कि अगर 3 में हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए 6 तो हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी 7 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी 8 आ गया। अब इसी प्रकार हम इसमें 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 9। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया, 4 में 3 जोड़ा तो 7 हो गया, 5 में 3 जोड़ा तो 8 हो गया, 6 में 3 जोड़ा तो 9 हो गया, यानी कि सब में एक ही प्रोसेस अपनाते चले गए, सब में 3 3 जोड़ते चले गए तो हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान की संख्या प्राप्त हो गई, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, यदि 4 भाग 1 बराबर 28, 3 भागे 2 बराबर 46, 2 भागे 3 बराबर 64, तो 1 भागे 4 बराबर क्या होगा, यही हमें सॉल्व करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, अगर 1 से हम 4 भाग देंगे, 28 कतई नहीं आएगा और कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, भागे का चिन्ह तो दिया है लेकिन हम भागे का चिन्ह नहीं दें, यानी कि भागे का चिन्ह आपको क्या, कन्फ्यूज के लिए दिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर गुना भी कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 ही होगा, 2 8 नहीं होगा। तो पहले क्या करते हैं, इस 1 में हम 2 से गुना कर लेते हैं, इस 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, देखिए कितना आ गया, 2। अब उसी प्रकार हम 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, कितना आ जाएगा, 8, देखिए यानी कि 28 आ गया, यहाँ पर देखिए 28 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, 1 में 2 से गुना किया तो हमारा 2 आ गया, और 4 में 2 से गुना किया तो 8 आ गया। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, देखिए 3 भागे 2 बराबर 46 दिया है, तो अब क्या करेंगे, इस 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा,
यानी कि 46। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया 46, ठीक है। उसी प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, पहले तीन, तीन में हम दो से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार हम दो में दो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए कितना आ गया, 64, कितना आ गया, 64। अब इसी प्रकार हम इसे भी सॉल्व करेंगे कि हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई एक संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए क्या करेंगे, 4 में 2 से गुना करेंगे, इस वाली संख्या में, इस वाली संख्या में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब एक में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 82, कितना, 82। किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, भागे का चिन्ह दिया हुआ है लेकिन सब संख्याओं में हमने दो दो से गुना किया तभी हमारी संख्याएं प्राप्त हुई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 82, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा 82 भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 4A 9B 6C 11D और प्रश्नवाचक चिन्ह, इसी को हमें सॉल्व करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इस अंक को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन अंक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इन अक्षर को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या किया है, 4 में 5 जोड़ दिया है तो 9 हो गया है, ठीक है। उसके बाद 9 में -3 कर दिया है, 9 से -3 कर दिया तो 6 हो गया। अब क्या किया, 6 में फिर 5 जोड़ दिया है तो कितना हो गया, 11। देखिए पहले 5 जोड़ा, फिर -3 किया, फिर 5 जोड़ा है, अब क्या करेगा, -3 करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा 8 भरे जाएगा और ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए और बी, देखिए ए में क्या किया है, 1 जोड़ दिया है तो 2 हो गया, ठीक है, और बी में 1 जोड़ दिया है तो 3 हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार सी में 1 जोड़ दिया है तो 4 हो गया है, यानी कि डी, ठीक है, यानी कि ए नंबर पर 1 पड़ता है, बी नंबर पर 2 पड़ता है, सी नंबर पर 3 पड़ता है, डी नंबर पर 4 पड़ता है। हमें क्या ज्ञात करना था, संख्या, तो हमने ज्ञात कर लिया संख्या 8, ठीक है। क्या किया, 11 में से 3 माइनस कर दिया तो 8 आ गया, ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहीं पर है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 138, 161, 185, 210 और क्वेश्चन मार्क, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 138 में क्या किया कि 161 आ गया है, 161 में क्या किया कि 185 आ गया है, 185 में क्या किया कि 210 आ गया है। जो प्रोसेस हम इसमें अपनाएंगे वही प्रोसेस हम 210 में अपनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई संख्या आ जाएगी। देखिए दोस्तों क्या किया 138 में, 138 में 23 जोड़ दिया है तो कितना हो गया, 161। देखिए फिर क्या किया, 161 हो गया है, फिर 161 में क्या किया है, 24 जोड़ दिया है तो हमारा कितना हो गया, 185। देखिए 185 में क्या किया है, 25 जोड़ दिया है तो कितना हो गया है, 210। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसमें किसमें, इसमें 23 जोड़ा, इसमें 24, इसमें 25, अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 26। अगर हम इसमें 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, 236, कितना आ जाएगा, 236। किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या किया है, 138 में 23 जोड़ा है और 161 में 24 जोड़ा है और 185 में 25 जोड़ा है, 210 में 26 जोड़ा है, यानी कि इनमें क्या करता चला गया, क्रम वाइज जोड़ता चला गया तो हमारी संख्या प्राप्त हो गई, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 236 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।